आज पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का एक्स पर एक पोस्ट पढ़ा। यह बहुत ही भावुक और संवेदनाओं से भरा हुआ पोस्ट के साथ साथ वंशवादी और परिवारवादी पार्टियों की जो हकीकत है उसको भी बयां करता है। चार पैराग्राफ में लिखा गया यह पोस्ट दिखलाता है कि एक वरिष्ठ नेता जो पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ किसी पार्टी के साथ अपना चार दशक पूरा करता है, जो गुरु जी का हनुमान बन के रहता है, उनके हर फैसलों पर, हर एक राजनीतिक उतार चढ़ाव में उसके साथ खड़ा रहता है, वो तो आज एक इतना बेबस और लाचार अपने आप को पाते हैं कि इस तरह के पोस्ट करने को बाध्य होते हैं। जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, जितने अपमानजनक वाक्या उनके साथ घटित हुआ विधायक दल की बैठक में, वो अपने आप में दिखलाता है कि सत्ता के लोलुपता के लिए आसक्त या परिवार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। आज जब उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन को इस हाशिए पर खड़ा होकर के देखा है तो उन्होंने अपने लिए तीन मार्ग चाहे हैं, मार्ग को देखा है, राहें खोजी है। ये दिखलाता है कि ये वंशवादी परिवारवादी पार्टियां, ये भले ही अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देते हों, संविधान से चलने का दावा करते हों, लेकिन ये पार्टियां विशुद्ध रूप से वंशवाद और परिवारवाद की जननी ही नहीं, इसके पोषक भी है। इनके लिए कोई कानून लागू नहीं होता है, कोई नियम लागू नहीं होता है, इनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। और इसके लिए वो लोगों की भावनाओं का, संवेदनाओं का खेलना पसंद करते हैं। और कुल मिलाकर के ये आज के यह पोस्ट राजनीति में आने वाले दिनों में, धार्मिक राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। झारखंड में चंपई सोरेन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंपई सोरेन के साथ कई विधायक दिल्ली में हैं। हालांकि चंपई सोरेन ने किसी भी अटकलों से इनकार किया है। जी सर, आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल, हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। खैर, चंपई सोरेन जो भी कहें, लेकिन उन्होंने घर और सोशल साइट से जीएमएम का झंडा हटा दिया है। सरायकेला के झिलीगोड़ा गांव में चंपई सोरेन के घर सन्नाटा पसरा है। सरायकेला और जमशेदपुर में चंपई सोरेन का तीन घर है जहां पार्टी का झंडा गायब है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि चंपई सोरेन आने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी। दोनों बचपन के साथी हैं, बीजेपी में आने पर उनका वेलकम करेंगे। भाजपा तो खुली किताब है, जो इसका सिद्धांत पार्टी का नियम को मानेंगे कि अच्छे है, अगर वेलकम है तो साथे हम लोग काम किया शुरू से बचपन से, अगर आता है तो आता तो पार्टी में मजबूती होगी। हालांकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर राज्य को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायक इन लोगों के संपर्क में हैं। बीजेपी में भगदड़ को रोकने के लिए झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। देखिए, इस तरह से जो कोरी अफवाहें उड़ाई जा रही है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी का अफवाह फैलाने में एक अपना रिकॉर्ड रहा है, ये सही है, और उन लोगों ने एक प्रयास जब से हमारी। इधर सरयू राय ने कहा कि यदि धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी। साथ ही चंपई सोरेन मंजा हुआ समझदार नेता बताया और कहा कि चंपई सोरेन जो भी निर्णय लेंगे वह झारखंड के हित में होगा, वह कोई भी फैसला सोच समझ कर ही लेंगे। चंपई सोरेन जी बहुत सीनियर नेता हैं, कुल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। ये जो भी निर्णय लेंगे राज्य के भविष्य को और अपना भविष्य दोनों को देखते हुए अच्छा निर्णय लेंगे। मसाला जो भी हो, अचानक से चंपई सोरेन का कलकत्ता और दिल्ली पहुंचना, गांव घर और सोशल मीडिया से पार्टी का झंडा हटाना, ये सब महज एक सहयोग नहीं है।
बल्कि झारखंड की सियासत में कोई बड़ी बदलाव की ओर इशारा कर रहा है।